ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप IRCTC के वेबसाइट से होटल बुक कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई के भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फाइनली आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। इसके बाद सिंपल आप लोगों को करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है IRCTC होटल। तो इसके बाद आपके सामने कुछ टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रेंस सेलेक्ट करना है, कहाँ पर आप होटल बुक करना चाह रहे हैं, यानी कि होटल में रहना चाह रहे हैं। मैं दिल्ली NCR में हूँ, तो यहाँ पर मैं दिल्ली सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद चेक इन डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में आप वहाँ पे इंट्री करने वाले हैं। इसके बाद चेक आउट डेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कितने रूम चाहिए, आप कितने एडल्ट्स है, यानी कि कितने लोग आप लोग हैं। इसके बाद चाइल्ड है तो चाइल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड होटल पे क्लिक करना है। फाइंड होटल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको जितने भी होटल होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वन बाय वन करके भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर लोकेशन पे सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको लोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हो होटल का रेट आप देख सकते हैं, चेक इन टाइम, चेक आउट डेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, एड्रेस भी आपको देख लेना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। जिस होटल में आपको बुक करना है तो सिंपल यहाँ पे आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। आप इमेज भी आपको यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आना है और देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 फोटो भी यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे अपलोड किया गया है। इसके बाद कंटिन्यू टू बुक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, यूज़र ID एंड पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर ईमेल ID मोबाइल नंबर से भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं फटाफट ईमेल ID टाइप करता हूँ, इसके बाद मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पे देख चेक रब करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम फिल करना है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर देता हूँ। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे GST नंबर है तो GST नंबर आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे एड्रेस भी देख लेना है, होटल नेम क्या है, होटल एड्रेस क्या है, चेक इन डेट, चेक आउट डेट, टोटल अमाउंट भी आपको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और IAgree पे क्लिक करना है। इसके बाद मैक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको फिर से मैक पेमेंट कर देना है। पेमेंट करेंगे पेटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके जीमेल पे टिकट मेल कर दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो IRCTC के वेबसाइट से आप लोग होटल भी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।